वाली चाय पी रहा हूँ सुबह सुबह, मस्त एकदम डीप वाली ब्लैक टी। एंड मम्मी ने ये ना वॉफल्स बनाया, मतलब अलग स्टाइल का, देसी वॉफल्स बोल सकते हैं इसको तो अभी ये बनाया और ये अभी हमारा नाश्ता है। लियो यहाँ पे से, वो काले वहाँ पे जाके देख रहा है कौन आया है कौन गया है। इसको बहुत पंचायत होती है, सारी चीज़ की पंचायत देखनी है ना काले, देखो सारी चीज़ को देखना है कौन आया कौन गया क्यों आया क्यों गया। इन लोग ने बिस्किट विस्किट खा के आराम से बैठे, अभी मम्मी उनको खाना देने वाली ना, तो रहा देख ले खाना दे दो जल्दी। तो यहाँ पे मेरा वीडियो एक्सपोर्ट हो रहा है और ये देखो काले मेरे पास आके इतना बैठ गया है, वहाँ पे लियो लेटा है। एक्चुअली लियो मेरे पास पहले बैठा था, फिर उसको उठा के काले वाके बैठ गया, बस मेरा वीडियो ना हो जाए अच्छे से फटाफट। और लेट हो गया एक्चुअली मेरे डालने का वीडियो, देखो क्योंकि लेट आया ना वीडियो तो उसकी वजह से लेट हो गया। 3:45 हो गए और मुझे लगता है वीडियो आएगा 5 बजे तक, 4:30-5 बजे तक, क्योंकि एक्सपोर्ट होके फिर ना लोड होने को अपलोड होने को ज़्यादा टाइम लग जाता है। और मैंने इसका ये भी बनाया, थंबनेल भी बना चुका हूँ, तो ये देखो थंबनेल, मुझे बताओ कैसे बनाया कैसे लग रहा है। ओके, और इसके वो जो फोटोज़ है ना वो आपको इंस्टाग्राम पे देखेंगे, तो वो जाके इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लो। गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज योर होस्ट दोस्त कुनाल, एक बार फिर से स्वागत करता हूं यूट्यूब के चैनल पे। और ना अभी बस मैं एक्चुअली जाने वाला था गैस लेने के लिए, मतलब सिलेंडर लेने के लिए, क्योंकि कल से हमारा बाटला खत्म हो गया और ना बुक तो कर दिया लेकिन अभी आया नहीं। आज हम लोग को लगा था आ जाएगा लेकिन अभी तक आया नहीं। मैं जाने वाला था लेकिन अभी लेट हो गया और फिर मिलेगा नहीं, तो मैं अभी सोच रहा हूँ कल चला जाऊँगा। तो आज भी फिर ना घर पर ऐसे ही बनाना पड़ेगा नॉर्मल खाना, क्योंकि अभी कैसा होता है ना गैस खत्म हो जाता है तो बाहर से मंगाओ ऑर्डर करो या फिर घर पर नॉर्मल कुछ ना खाना बना लो गैस बिना गैस के। तो अभी हम लोग ओवन वगैरह भी खराब हो गया, तो अभी वही देखना है कि क्या बनता है क्या नहीं, क्योंकि कल से तो बन रहा है दो चीज़ वही हम लोग खा रहे, लेकिन अच्छा भी लग रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं, पेट पूरा भर रहा है, मज़ा आ रहा है। और ना कुछ एक बात है जिसके ना जो सीरियस है थोड़ी सी, मुझे उसके बारे में बात करना है लेकिन अभी बात नहीं करूँगा, उसको आराम से मैं शाम को ना आराम से उस चीज़ पर बात करूँगा। और बहुत ज़्यादा शॉकिंग और बहुत ज़्यादा ना शेमफुल चीज़ें हो जो मतलब मुझे पता चली है, जो मैंने अभी थोड़े टाइम पहले एक वीडियो में देखा, तो ना मैं बताऊंगा उसको भी, वो चीज़ के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। लेकिन आज देखते आज का दिन कैसा जाता है। काले लोग को तो ना अभी उन लोगों को नीचे जाने की खाई है, लेकिन मैं अभी उन लोगों को घुमाऊंगा नहीं, क्योंकि अगर अभी ऊपर घुमा दिया ना फिर शाम को तुरंत उन लोगों को जाना पड़ेगा, तो उससे अच्छा उनको भाई थोड़ा सा और ना आराम करने दो, सोने दो, क्योंकि दोपहर में सोए नहीं है ये, अभी दोपहर में नहीं सोता तो रात में हम लोग को परेशान करते, रात में फिर ना मस्ती करते रहते और फिर हम लोग को सोने नहीं देते, तो इसलिए मैं ना इन लोगों को थोड़ा सा सो अभी दोपहर में थोड़ा सा सुला देता हूँ। ये तो बच्चे जैसे बेसिकली, ये दोपहर में सो लिए ना तो ना मतलब सो जाएंगे ना तो एक ऐसे नींद में ही रहेंगे, फिर वो शाम को भी इतना जल्दी सो जाएगा, दोपहर में नहीं सोते ना तो शाम को भी लेट सोता है, ऐसा होता है इन लोगों का उल्टा। एक्चुअली बच्चों का अलग होता है, इन लोग का अलग होता है ऐसे थोड़ा सा, लेकिन बच्चों से ज़्यादा इन लोग को संभालना पड़ता है ना। लियो कैसा देख रहा है मुझे, और स्माइल कर रहा है पिल्लू। और ये पता है टाइल्स पे क्या हुआ है, ये ना पूरा कट गई टाइल्स। यहाँ पे हम लोग जब फर्नीचर का काम कर रहा था ना, वो अंकल ने यहाँ पे ना ये किया था, मशीन से कटिंग किया था लकड़ी और पूरा टाइल्स कट कर दिया था। अब इसको भी थोड़ा सा अच्छे से करना है, थोड़ा आराम आराम से धीरे धीरे, है ना पिल्लू, धीरे धीरे ना सारी चीज़ें काम करेंगे। कैसे देख रहा है ये शाम। और ना मैं क्या कर रहा था पता है, कि मैं लगा रहा था मेरा कैमरा का बैटरी चार्जिंग पे, क्योंकि ना कल कैमरा यूज़ होने वाला है मॉर्निंग में, कल पूरा दिन मेरा बिजी रहने वाला है। सुबह एक जाना है बेबी शॉवर के लिए, फिर दोपहर में जाना है चर्च में, फिर शाम को जाना है एक हल्दी में, फिर परसों जाना है शादी में, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं कल और परसों, दो दिन तो बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाला, तो वही सारी चीज़ें कर रहा था कि मेरा कैमरा वगैरह सब ना रेडी रह जाए, तो चेक कर रहा था बैटरी अभी चार्जिंग में लगा दे, बैटरी वगैरह चार्ज हो जाए। और मेमोरी कार्ड का मेरा इशू आ रहा है, एक मेरे पास है मेमोरी कार्ड 8 GB का, लेकिन वो इनफ नहीं होगा 8 GB का कुछ नहीं, तो और एक ना मैं देख रहा हूँ कि ना कहीं से मिल जाएगा क्या, तो लेट्स सी कि ना हो जाता है तो अच्छा, अगर एक और मेमोरी कार्ड का हो जाएगा तो अच्छा है, क्योंकि समीर के पास था, लेकिन समीर के पास भी ना कल उसका शूट है, तो ना कल वो भी ना उसका यूज़ होगा, तो लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं। और दीदी और मैं अभी बस ना बाहर जा रहे कुछ काम से, बहुत सारा काम है अभी ना बाहर जाके देखा था, मुझे कि आके फिर ये भी देखते हैं कल क्या पहनूंगा क्या नहीं पहनूंगा, क्योंकि अगर सुबह गया मैं तो मुझे लगता है मैं डायरेक्ट ना हल्दी के टाइम पे ही रिटर्न आऊँगा, तो मेरा ना पूरा स्केड्यूल पूरा बिजी रहेगा कल बाहर का, तो वही सारी चीज़ें ना शॉर्ट आउट करनी है सारी चीज़ें। तो बस अभी खा के बैठे लेटे
ये बैठे भाई साहब, ये लेटे भाई साहब, और इनको जाना है नीचे, लेकिन अभी लेके नहीं जाऊँगा उनको खाना बिना खा के, मम्मी फिर ना आराम से फिर लेके जाऊँगा, मम्मी एक बार खाना बिना खिला दे इनको, है ना। लियो हम लोग का लग गया अभी पेट्रोल पंप पे, और देखो कितना मस्त लग रहा है, नया नया पेट्रोल पंप, लेकिन इधर भी रश बहुत है। वही और मस्त इधर है, गर्दी भी लगी है अभी, रश लगी है, तो नया है ना तो नए नए ही चमकेगा ना। हेयर कट हुआ मेरा, अच्छा लग रहा है, बहुत टाइम के बाद ऐसे सिंपल काट रहे हो। आ तो गए लेकिन फिर से कुछ ना कुछ सामान भूल गया, तो अभी फिर से सामान लेने जा रहा हूँ, और मुझे मेमोरी कार्ड भी मिलने वाला है, तो वो भी ले लेता हूँ, थोड़ा काम हो जाएगा मेमोरी कार्ड मिल गया। मैं जस्ट ना वीडियो एंड करने के लिए यहाँ पे आया, और ये तुरंत ना अंदर आ गया। हाँ पिल्लू, हाँ कैसे चल रहे पिल्लू मेरे बच्चा, कितना क्यूट है यार, कितना क्यूट है, देखो ना कितना क्यूट है, लगता है रॉटविलर है, ऐसा लगता है लैब है, लैब लैब है, लेकिन हे रॉटविलर है हमारा बच्चा, ये हमारा बच्चा रॉटविलर है। तो मैं शॉल वगैरह लेके इतना मस्त एकदम फ्रेश हो गया, और ना कपड़े भी मैंने ना धो दिए, क्योंकि मेरे ना मम्मी की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, तो वहीं बोली थी कि इतना तू तेरे कपड़े धो देना, मैं बोला ठीक है भाई मैं मेरे कपड़े धो देता हूँ, तो मैं नहाते नहाते इतना शॉल लेने से पहले मतलब कि इतना मेरे कपड़े भी धो दिए, फिर शॉल भी ले लिया, और बस फ्रेश होकर बाहर आया। और जो चीज़ मुझे बात करनी थी ना, वो चीज़ ये थी कि इतना आज मैंने एक वीडियो देखा जो जिसमें बताया गया कि एक ना ब्राज़ीलियन कपल है, वो बाइक राइडर्स है बेसिकली, ओके। तो उनका ना मैंने उनको एक्चुअली वीडियोस बहुत पहले देखे हुए हैं, बहुत पहले से मैं उनको देखता हूँ, मतलब कम से कम 2-3 साल से मैं उनको देखते आ रहा हूँ, और इतने ज़्यादा प्यारे वो लोग हैं, और इतने ज़्यादा कंट्री में ना घूम चुके ना वो, तो वो ना राइड करते हैं बेसिकली वहाँ पे कंट्री में, अपनी बाइक्स लेके जाके वहाँ पे राइड करते, पूरी कंट्री घूमते। वैसे वो हमारे इंडिया में भी आए थे, इंडिया में कुछ दिनों से वो लोग थे, और वो ना वीडियोज़ बना रहे थे, लेकिन कल उनके साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ कि इतना पूरे मतलब बोलते ना, मुझे तो एकदम शौक हो गया, जैसे मैंने वो सुना ना मैं एकदम शौक हो गया कि यार ऐसा कैसे हो गया, और ऐसा कि क्यों हुआ बेसिकली, तो वो तो नहीं पता मुझे एग्जैक्टली क्यों हुआ क्या हुआ, क्योंकि मैंने वो चीज़ के बारे में पूरे ना न्यूज़ में जितनी न्यूज़ चैनल्स है उसमें सब में ना चेक किया कि कहीं पर भी न्यूज़ आई होगी क्या हुआ क्या नहीं, लेकिन कहीं पर भी एक न्यूज़ चैनल में एक छोटी सी न्यूज़ नहीं उसके बारे में। और मैं क्या हुआ बताता हूँ कि वहाँ पे उन लोग के साथ ना, मैं बोलने को भी अच्छा नहीं लग रहा है, जो लेडी थी जो मतलब है जो मैम थी, तो उनके साथ ना गैंग रेप हो गया, ओके। 7 लोगों ने उनके साथ गैंग रेप किया, उनके हस्बैंड को मारा, उनके साथ ना रॉबरी की, ओके, मतलब चोरी वगैरह सब हुआ उनके साथ, और इतना ज़्यादा ना मतलब वो लोग को पूरा लगा था, पूरा ना स्वेलिंग था पूरे ना फेस पे वगैरह लगा था, और हमारे गवर्नमेंट ने उनको यहाँ से मतलब 24 घंटे के अंदर यहाँ से भेज दिया, 3 जन को अरेस्ट किया हुआ है, ऐसा न्यूज़ में नहीं, ऐसा वो वीडियो जो मतलब मैं बताता हूँ, जेएस फिल्म करके आपको जिनको पता होगा, ऑफकोर्स उनको उनको ये सब जानते जेएस पाजी को, तो उन्होंने ना वो रील डाली थी, उनकी रील में मैंने देखा था, उनके रील में एक जन ने कमेंट भी किया था कि 3 जन को अरेस्ट किया करके, लेकिन ना हुआ या नहीं हुआ एग्जैक्टली क्या चल रहा है वो किसी को नहीं पता, और उनको ना जो कपल थे तो उन लोग को यहाँ से फिर से ना भेज दिया, इंडिया से बाहर उनको ये कर दिया। ये चीज़ ना मतलब बहुत शॉकिंग है और बहुत शेमफुल है हमारे लिए, हमारे इंडियंस लोगों के लिए, कि यार जहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि हमारे इतना देश का नाम हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, इतना आगे कर रहे हैं, ये चीज़ आगे कर रहे हैं, कहाँ आगे जा रहा है यार, कहाँ हम लोग ये कर रहे कि भाई हम लोग ना आगे बढ़ रहे, कौन सी चीज़ में आगे बढ़ रहे, बाहर के लोग अगर हमारे यहाँ पे आते, बीच में एक इंसिडेंट हुआ था जैसे बैंड्रा में हुआ था कि ना वो कोरियन लड़की थी, कोरियन नहीं चाहे चाइनीज से शायद एग्जैक्टली मुझे पता नहीं, वो वीडियो अपना बना रही थी, व्लॉग बना ही रही थी, वो लाइव थी बेसिकली, उसको एक लड़के ने छेड़ दिया था, लेकिन ना वो चीज़ में एक लड़का भी आया था और सामने आया था, उसने बचाया था बेचारे ने, और ना उसको ना पुलिस ने तुरंत अरेस्ट किया था जो हमारी मुंबई पुलिस थी, लेकिन ये चीज़ वहाँ पे झारखंड साइड में हुई है, और मुझे पता नहीं एग्जैक्टली वहाँ पे पुलिस कैसे काम करती क्या करती है, किसी को पता होगा तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हो कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है वो मामला, लेकिन
ये चीज़ें यार कितना ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ। ओके और ना आए दिन ऐसे न्यूज़ हम लोग को सुनने मिलती है, ऐसा नहीं कि इतना आज मतलब बहुत सालों के बाद ऐसे नहीं, ये चीज़ हम लोग को आए दिन सुनने मिल रही है। और हमारा देश कहाँ आगे बढ़ रहा है यार, तरक्की में आगे बढ़ रहा है तो चलो डेवलपमेंट हो रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन ये सारी चीज़ न्यूज़ जो हमारी न्यूज़ मीडिया जो हम लोग का ना बोलते हैं ना चौथा स्तंभ जो हम लोग देश का ना चौथा आर्थिक स्तंभ बोलते, जो वैसा एक है कि स्तंभ है हमारा न्यूज़, वो कहाँ यार। वो तो अपना उन लोग तो वो अंबानी के शादी में, वो अंबानी के बेटे के शादी का फंक्शन जो प्री वेडिंग फंक्शन है उधर इंटरव्यू ले रहे हैं, उधर ना कौन से सेलिब्रिटी आ रहे हैं ना एयरपोर्ट पे उसके लिए कैमरा लगा के रखे कि भाई कौन सा सेलिब्रिटी आ रहा है क्या। लेकिन जो देश के अंदर चल रहा है, जो देश में के लोग है, जो देश में आने वाले लोग है, उनके बारे में वो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, उन लोग को वो नहीं दिखाना कि भाई देश में क्या चल रहा है, फिर ना क्या हुआ है, कौन सा बड़ा मैटर हुआ है, वो चीज़ नहीं दिखाना। ये चीज़ बहुत गलत है एक्चुअली, तो ऐसा नहीं होना चाहिए और ऐसा ना कभी भी किसी के साथ नहीं होना चाहिए एक्चुअली। ना मैंने ऐसा बोल रहा हूँ कि वो बाहर से है इसलिए वैसा, नहीं 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 वो चीज़ नहीं, ये चीज़ किसी के साथ भी नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा गलत चीज़ है। तो ना ये सारी चीज़ें हुई और मुझे ना इतना ज़्यादा शौक हो गया ना सुबह से, मेरा बिल्कुल मूड नहीं था वीडियो बनाओ कुछ बनाओ, लेकिन मैंने बोला मैं इस चीज़ के बारे में बात करूंगा, चाहे एक जन देखे दो जन देखे यार, लेकिन देखे तो पता तो चलेगी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और ना बस मैं वीडियो यहीं पर एंड कर रहा हूँ क्योंकि ना कल मुझे बहुत सारा काम है, बहुत सारी काम है, तो मैं बोला कि ना वीडियो अभी भी एंड ही कर देता हूँ। यहाँ तक देखा वीडियो, वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो वीडियो का लाइक के बिना मत जाना। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस लॉन्ग। जय हिंद, जय भारत, कर बसी।